आज हम सातवीं हिंदी कक्षा का तीसरा पाठ जिसका नाम है हिमालय की बेटियां पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां पाठ को नागार्जुन ने लिखा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने अपने आप से पूछ लिया होगा कि ये हिमालय की बेटियां हैं कौन। तो आपने सही पहचाना बच्चों, हिमालय की बेटियां जो है उसकी नदियां जो गंगा यमुना सतलुज है उसके बारे में है और नागार्जुन इसमें बेटियों नदियों को एक बेटी की तरह मानकर हिमालय को एक उसके पिता की तरह मानकर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे हम पढ़ते पढ़ते कि क्या होता है इस पाठ में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान थी कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसकी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि ये इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो बच्चों, आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें हिमालय को दर्शाया गया है और उसके साथ साथ छोटे छोटे नदियों को दर्शाया गया है जो पतले पतले नदी हैं और वो वहां पे जुड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो अभी तक नागार्जुन बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि अभी तक मैंने दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला, संभ्रांत माने उत्तेजित, यानी अगर इंग्लिश में बोले तो एलीट, थोड़ा क्लास, मतलब थोड़ा क्लासी लगता था उसको। भारतीय महिला की संभ्रांत महिला की भांति में प्रतीत होती थी, ऐसा लगता था कि बड़े अमीर औरतें वहां पे बैठे हुए हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति बोल रहे हैं? नदियों के प्रति उस लेखक का बहुत श्रद्धा और आदर था। श्रद्धा माने डिवोशन, आदर माने रिस्पेक्ट। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम अपने दादी, अपने मम्मी, अपने मौसी की गोद में हम ऐसे डुबकियां मारते, वैसे ही लेखक बोलते हैं कि कैसे वो जब छोटा था तो सोचता था कि इन नदियों के लहरों में वो डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। मगर जब इस बार उसने अच्छे से हिमालय के पास जाके देखा तो इन नदियों का अलग ही रूप था। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। वो हैरान था कि ये जो पतली नदियां हैं, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो पतली पतली नदियां हैं वही नीचे मैदानों में जाकर, समतल माने सरफेस यानी नीचे मैदानों को जब हम देखते हैं तो पूरा खुला मैदान पर जाके ये कैसे बड़ा हो जाता है, विशाल, बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। अभी देखो कितना कितना पतला है। तो यही पतली दुबली जैसे हम किसी लड़की को बोलते हैं पतली दुबली सी, बिल्कुल पतली दुबली गंगा, यही सतलुज वहां पे जाके नीचे समतल मैदानों में जाकर कितना बड़ा, प्लेन्स में जाकर कितना बड़ा दिखने लगता है, कितना विशाल हो जाता है। आगे बोलते, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये बात भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब पहाड़ से ऊपर से पार की ऊपर से नीचे जब पानी आती है तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पानी आने पर भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। तो लेखक यहाँ पे इनको एक बच्चे की तरह मानते हैं कि कैसे वो खिल खिल कर इतना भाव भंगी, यानी इतना एक्साइटेड, इतना उल्लास, इतना उनमें खुशी, ये सब
निजी मैदान पहुंचते हुए ये कहाँ चला जाता है? ऊपर तो जब ये हिमालय से उतरता तो वो इतना उल्लास, इतना एक्साइटेड होता है, वो सारा एक्साइटमेंट, वो सारा उल्लास कहाँ चला जाता है? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों को बाल बेटियों की बाल लीला देखकर। तो लेखक बोलते हैं कि किसी लड़की को देखता हूँ या किसी कली को देखता हूँ तो उसका ध्यान वहीं पर अटक जाता है कि देखो कितना खूबसूरत है। मगर जब लेखक का ध्यान इन नदियों पर जाता है तो वो इतना कौतूहल माने क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कौतूहल माने जिज्ञासा भरा हुआ, बहुत क्यूरियोसिटी उसको पूछने का मन करता है, और विस्मय यानी डिसअपॉइंट नहीं होता। डिसअपॉइंट विस्मय माने जैसे कि आप कुछ चाहते हो और वो पूरा नहीं हो पाता तो आप विस्मय हो जाते हो, तो विस्मय इतना डिसअपॉइंट नहीं होता जितना कि इन बेटियों के बाल लीला देखकर। जितना इन बेटियों का बाल लीला आपने सुना, रामलीला सुना होगा, बाल लीला माने बाल माने बच्चा, लीला माने किसी महान आदमी पे एक कोई ड्रामा हो, प्ले हो, उसे हम बोलेंगे लीला। तो वैसे ही बोलते हैं कि कैसे इन बच्चों का खेलना वहां हिमालय से उतर कर इतने जोरों शोर से उतर कर नीचे समतल मैदानों पर पहुंचने पर सारा उल्लास खत्म हो जाना, इन सबको देखकर लेखक हैरान हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां ये भागे जा रही है, वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से बड़ी घाटियां, बंदूर अदित्याएं, सरसब्स उपत्याग। कहां ये भागे जा रही है, वो कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूर अदिकताएं, सरसब्स उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। तो बच्चों, इस पंक्ति में हमने ये पढ़ा कि कहां भागे जा रही है, लेखक पूछता है कि कहां ये नदियां कहां भागे जा रही है, ये कौन सा नया लक्ष्य है, ये कौन सा नया एम है जो उनको बेचैन करती है, जो उनको रहने नहीं देती। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अपने महान पिता यानी हिमालय का इतना विराट, अगर इंग्लिश में बोलो तो ग्रांड यानी इतना बड़ा, इतना बढ़िया प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त माने कुछ लोगों को कुछ भी जितना भी पढ़ा है वो और भी पढ़ना चाहते हैं, वो और भी नए नए चीजों को जानना चाहते हैं। अतृप्त माने जिनका प्यास खत्म ही नहीं होता। तो इतना प्रेम पाकर भी अगर ये बेटियां अतृप्त है, वो और भी जानना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है, वो कौन होगा कि इनकी प्यास मिटा सकेगा, ऐसा क्या होगा कि जिससे इनकी प्यास मिट जाए? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरे घाटियां, यानी अब लेखक बोलता है कि देखो पहाड़ फिर अब जब नदियां नीचे बह जाती है तो वो वहां पे बर्फ नहीं रहता, तो वो बर्फ खत्म होकर नीचे बह जाती है तो वो नंगी हो जाती है, और छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंदूर अधिकता है, बंदूर माने बहुत फर्टाइल यानी इंग्लिश में फर्टाइल जिसको जहां पे अच्छा फसल उगता हो, तो अधिकता है यानी अबंडेंस, या इतना फर्टाइल अबंडेंस होने पर भी सरसब्स उपलब्धता है यानी फिर से फर्टाइल, ऐसा है इसका लीला निकेतन। ऐसा है हमें इसकी स्टोरी के बारे में अगर इसकी लीला के बारे में पढ़ा जाए तो मतलब इतना जुड़ा हुआ है ये सब, कितना खूबसूरत है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चिड़,
चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक बोलता है कि शायद जब कभी वह बहुत आगे निकल जाते हैं तो ऐसे ये सारे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, ये सब पेड़ों के नाम है बच्चों, तो उनके जंगलों में पहुंच जाकर जब जब उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलता तो वो सोचने लगते होंगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। तो बोलते हैं कि कौन जाने कि बुड्ढा हिमालय जो है, जो इनका हिमालय के पिता है, वो इनके लिए कितना प्यार, कितना अपने अपने सिर को हर जगह घुमाता, कि कितना घुमाएगा, वो कहाँ कहाँ इनको ढूंढने लगेगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अब बड़ी बड़ी चोटियों को जाके पूछो, आप माउंट एवरेस्ट को पूछो, कंचनजंगा को पूछो, हिमालय को पूछो, तो अगर उनको पूछो कि आपकी बेटियां कहाँ हैं, तो उत्तर में हमें क्या मिलता है, बहुत बड़ा सा मौन है, चुप। वो सिर्फ आंधी, उनमें सिर्फ हवाएं चलती है, उसकी बजाय हमें कोई जवाब नहीं मिल पाता है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हिमालय अपनी बेटियां बेटियों को नटखट बेटियों को खुला छोड़ देता है और फिर वो छोटी छोटी बेटियां आगे समतल मैदानों में जाकर बड़ी हो जाती है और फिर वो जाके जंगलों में आ जाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ पहुंच गए हैं। और फिर लेखक पूछने लगता है हिमालय को, आपकी बेटियां कहाँ हैं, तो उसको जवाब में सिर्फ चुप मिल जाता है, बिल्कुल वो उसको मौन मौन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इनको महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है ये समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बोलते हैं बच्चों कि जब हम सिंधु यानी इंडस, ब्रह्मपुत्र यानी रिवर ब्रह्मपुत्र, जब ये दो ऐसे नाम है जिनको सुनते हैं बाकी छोटे छोटे नदियां जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल या कुबा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, ये सारी छोटी छोटी नदियां हमारे आंखों के सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र से ही ये छोटे छोटे नदियां निकलते हैं, जैसे पंजाब जो हमारा भारत का एक राज्य है, तो आपको पता होगा पंजाब यानी पंज नदी से निकला हुआ पंजाब है। तो वहां पे कौन कौन सा है हमारे पास, सतलुज, रवि, व्यास, चनाब, ये सब है, झेलम, ऐसे पांच नदियां वहीं से बहती है। जो अगर देखा जाए तो सिंधु का अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रिब्यूटरी है। तो इसलिए बोलते हैं कि लेखक बोलता है कि जब हम ये दो नाम लेते हैं तो हमें कैसे इनका बाकी छोटे छोटे नदियों का हमें अचानक से हमारे आंखों के सामने दिख जाता है कि वो सब भी इन्हीं इन्हीं बेटियों की जैसे हैं। और फिर बोलते हैं कि हिमालय की छोटी बड़ी से भी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो वो भी नदियां ही है, मगर इनमें एक खासियत है, वो क्या है, दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी हिमालय के जो कलेजे मतलब दिल का सबसे प्यारे दो बेटियां यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में क्या होता है कि हिमालय के हर जगह से छोटी नदियां बह बहकर वो बड़ा होकर बाद में समुद्र में जाकर वो मिल जाता है, प्रवाहित मतलब समुद्र की तरफ वो उसको खींचने मतलब पुश कर देता है, वहां पे डाल देता है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब लेखक बोलता है कि कितना लकी है, सौभाग्यशाली, कितना कितना वो सौभाग्यशाली है कि वो समुद्र यानी जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र बंगाल में गिरता है और फिर सिंधु जो है हमारा अरेबियन सी में गिरता है। तो बोलते कि ये जो समुद्र है वो कितना सौभाग्यशाली है कि पर्वतराज के दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, उनको ये
क्रेडिट मिला है कि देखो कि ये उन उन महानदों का पानी उस समुद्र में वो उठाने का उसको श्रेय मिला है, उसको कितना वो कितना सौभाग्यशाली है बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सकी कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वो रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो बोलते हैं कि जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा, जिन लोगों ने चाहे सिंधु हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो चाहे बाकी सारी छोटी छोटी नदियों हो, उनको जब मैदानों में देखा तो शायद उनको इतना ख्याल नहीं आया होगा कि ये भी एक समय था कि जब ये बच्चों की तरह खेल 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 के इतने उल्लास भर से आते थे। मगर ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है, शायद वो सोचते भी नहीं होंगे कि ये भी कभी बच्चों की तरह खेल खेल कर आते हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, क्यों पहाड़ी लोगों जिन लोगों ने इन हिमालय की बेटियों को जब छोटे थे जब वो खेलते थे वो उनको बेशक पसंद ना आए, क्यों? क्योंकि वो बहुत शोर वाला होता है। जब जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब पानी पहाड़ों से उतरता है तो वो कितना कितने कितने जोरों शोरों से आता है, तो वैसे ही पहाड़ी लोगों को चाहे वो आकर्षित ना लगे चाहे वो अच्छा ना लगे, मगर जो समतल मैदानों में जो लोग देखते हैं वो कभी सोचते ही नहीं होंगे कि ये यार ये भी बच्चे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वो रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। यानी बोलते अपने आप को वो एक पति की तरह मानकर बोलते हैं कि कैसे हिमालय को वो अपना ससुर मानेगा और फिर समुद्र जो है उसका दामाद होगा, इसलिए इसकी वजह से वो बिल्कुल लेखक बिल्कुल नहीं झिझकता जब जब समुद्र जैसे कि एक बेटी अपने अपने पिता का घर करके छोड़कर अपने अपने पति के घर को जाता है, वैसे ही हिमालय की बेटियां हिमालय से निकलकर समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, वैसे ही वो एक कवि की तरह एक लेखक की तरह वो देख के बोलता है कि कैसे वो बिल्कुल नहीं झिझकता जब वो ऐसा कहता है कि हिमालय ससुर और समुद्र दामाद हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कालिदास ने विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो बच्चों इस पंक्ति में बोलते हैं कि कालिदास जो एक बहुत बड़े लेखक थे वो उन्होंने कालिदास की विधि यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। ठीक है, कालिदास के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी वो मेघदूत को बताता है कि जब आप जाओगे तो बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यानी उसको बहुत सारा खूब सारा प्रेम देते जाना, प्यार देते जाना, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी जब वो तुम्हें पाएगा तो वो बहुत खुश होगी। प्रेयसी माने बिलावेट, वो तुम्हें बहुत वो जब तुम्हें पाएगी तो बहुत खुश होगी। क्यों? क्योंकि बेतवा नदी जो है वो बिल्कुल बारिश पे ही अपना सब कुछ, बेतवा नदी में जब तक बारिश ना हो तो बढ़ता नहीं। इसी तरह वो बोलते हैं कि कैसे ये कालिदास जी ने कहा था कि मेघदूत को कि कृपया करके आप बेतवा नदी में थोड़ा प्रेम देते जाना, यानी थोड़ा बरसाते जाना। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी बोलते हैं कि अब समझ आया कि उस महाकवि को यानी कालिदास को भी इन नदियों का
सचेतन रूपक, यानी उनका ओरिजिन के बारे में इतना उनको अच्छे से पता था और उनको पसंद भी था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा। तो बच्चों लेखक बोलते हैं कि दरअसल जो कोई भी नदियों को अलग अलग देखेगा, हिमालय में और एक रूप और समतल मैदानों में और एक रूप, तो यही सोचेगा कि पक्का ये नदियां पहले से ऐसे ही थी, वो बिल्कुल चंचल नहीं थे करके सोचेगा, बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका काले लकड़ ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा हो, कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बच्चों लेखक बोलते हैं कि कैसे अलग अलग कवियों ने इनको माँ की तरह कहा है, इनको बेटियों की तरह कहा है, मगर उनको कभी बहनों की तरह नहीं कहा है। तो उनको उसको बहन, अगर हम इन नदियों को बहन की तरह भी देख ले तो क्या हर्ज है। तो एक दिन जब कवि बहुत गुस्से में था, जब वो बहुत थक गया था, तो वो जाके नदी में अपना पैर डाल के बैठ गया और फिर नदी ने अपने ठंडे पानी से कवि को ठंडक पहुंचाया और फिर वो गुनगुनाने लगा। और यहाँ पर एक गाना उसने गाना लिख दिया है, गाने में है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो ये नदी था सतलुज, और फिर सतलुज के लिए गुणगान गाता है, उसमें क्या क्या बोलता है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वो इसी नतीजे पे पहुंचेगा। तो बच्चों लेखक बोलते हैं कि दरअसल जो कोई भी नदियों को अलग अलग देखेगा, हिमालय में और एक रूप और समतल मैदानों में और एक रूप, तो यही सोचेगा कि पक्का ये नदियां पहले से ऐसे ही थी, वो बिल्कुल चंचल नहीं थे करके सोचेगा, बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका काले लकड़ ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा हो, कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बच्चों लेखक बोलते हैं कि कैसे अलग अलग कवियों ने इनको माँ की तरह कहा है, इनको बेटियों की तरह कहा है, मगर उनको कभी बहनों की तरह नहीं कहा है। तो उनको उसको बहन, अगर हम इन... तो बच्चों यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी अब नदियों को एक बहन का रूप देकर बोल रहे हैं कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारे लीला का क्या कहना, तुम्हारे कहानियों का क्या कहना। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, यानी मन जो है मुदित हो गया, बहुत खुश हो गया
हटा खुमारी, यानी खुमार एक जो अदा थी वो हट गई। जाओ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर निछावर हो जाऊं, अपने आप को अकर दूं। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। आप बेटी हो और आपके आपके पापा हिमालय हैं, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। आप चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय चिंतित है मगर वो शोर नहीं मचा रहा, वो बिल्कुल चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी प्रकृति का जो कैनवस है, पेंटिंग का कैनवस है, उस पर क्या खूब पेंटिंग बनाया है आपका, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। बिल्कुल मतलब हिमालय की अद्भुत की तरह, हिमालय की खूबसूरती की तरह आपको भी बनाया गया है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, यानी आपके आप जो हमारे बहन हो सतलुज, आपको हमारा जय। ठीक है, तो ये हमने पाठ पढ़ लिया बच्चों। अब हम करते हैं प्रश्न अभ्यास लेख से। पहला हमारा पाठ है लेख से। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि नागार्जुन नदियों को बहन के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लेखक नागार्जुन उन्हें बहन बेटी के रूप में देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो बच्चों मैंने आपको जिस पार्ट में, जिस स्टैंजा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में था कि कैसे वो महानदी है, उनको देखते ही और छोटे छोटे नदियों की याद आ जाती है, और वो कैसे हिंद महासागर इनको हाथ थामे रहना, कितना वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो आपको इन्हीं के बारे में थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो फिर तीसरा पार्ट है, तीसरा प्रश्न है, काका काल लेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो बच्चों काका काल लेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि क्योंकि वो हर गांव को, हर शहरों को अपने पानी से, अपने सहज से वो सवारते हैं। चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो बच्चों हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों का जो जिसमें चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है, उनकी प्रशंसा की है, और साथ साथ में पहाड़ी लोगों की भी प्रशंसा की है। हमारे पास दूसरा पाठ है लेख से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर उनके कवियों ने कविताएं लिखी है अनेक सॉरी नॉट अनेक नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन पर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो आपको पता है बच्चों कि नदियों और हिमालय पर बहुत सारे कवियों ने लिखा है, इन पर कविताएं लिखी है। तो उन कविताओं का चयन कर उन कविताओं को सेलेक्ट करके, चयन माने सेलेक्ट करके, आपको उनकी तुलनाओं का कंपैरिजन करना है कि इसमें निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। यानी हमें कंपैरिजन करना है कि ऐसे कौन सा नदी है जो जो बहता रहता है, और कौन कौन सा नदी है निहित माने जो हमेशा रहता है। तो बच्चों अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस पहले प्रश्न में आपको अलग अलग कवियों ने जिन्होंने नदी पे कविताएं लिखी हैं उनको लेना है, उनको चुनना है, और फिर आपको उनको कंपैरिजन करके देखना है कि ऐसे कौन कौन सा नदियां हैं जो खुद अपने आप से निहित होते हैं, यानी अपने आप में कंटेन्ड, यानी उनको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, वो हिमालय के पानी से ही खुद पे खुद बढ़ जाता है, ऐसे आपको उनके बारे में वर्णन करना है, लिखना है। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। आपको ये कविता आपको ढूंढ के आपको इनका कंपैरिजन करना है कि क्या क्या इसमें इनमें अलग है, हिमालय और हम और हिमालय तथा हिमालय के आंगन में, इन तीनों कविताओं में आपको क्या क्या अलग लगा, क्या 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 ऐसी क्या क्या चीजें थी जो आपको बिल्कुल सही बिल्कुल सिमिलर यानी आपको सेम लगा, और फिर आपको उनको चुन के लिखना है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, ये लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? ये जो कविता है, ये जो अभी हमने पाठ पढ़ा था,
ये हिमालय की बेटियां, ये 1947 में यानी 1947 में लिखा था। अभी 2020 यानी 2020 में हमें क्या क्या हिमालय के नदियों में बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या ये प्रदूषित हो गए हैं? क्या ये बड़े हो गए? क्या ये छोटे हो गए? इनका इनका बहाव बहाव का यानी कोर्स चेंज हो गया है, कैसा है? आपको उनके बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है, अपने अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो बच्चों, देवात्मा शब्द का मतलब होता है देवी जैसा, यानी जो माता की तरह सबको सहजता है, सबको अच्छे से रखता है। तो आपने आप अपने संस्कृत के अगर आपके पाठशाला में शिक्षक है तो पूछिए, वरना आप खुद सोचिए कि कैसे नदी एक माता की तरह हमें सहजता है, हमारे फसलों को पानी दिलाता है और फिर हमें खाना देते हैं, अन्नदाता भी है एक तरह से। तो आपको उसके बारे में सोच के लिखना होगा कि क्यों नदियों को देवात्मा कहा है। फिर दूसरा हमारा पाठ्य बच्चों, अनुमान और कल्पना। जैसे कि मैं आपको पहले से बताते आ रही हूँ, अनुमान माने गैस करना, कल्पना माने इमेजिनेशन, यानी आपको इमेजिन करके लिखना है ना। उसमें से पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करके और अपना सुझाव दें। तो अभी आपने इस पाठ में देखा कि नागार्जुन कैसे नदियों को एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह देखते हैं। तो आप नदियों को क्या कैसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनको दीदी कहना चाहेंगे? क्या आप उनको माता कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? और उसका दूसरा पार्ट है, नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, गंगा एक्शन प्लान के बारे में। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जहां पर नदियों की सुरक्षा के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए, नदियों का पानी, नदियों में और ज्यादा आगे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वो रोकने के लिए कैसे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको आसपास से जानकारी प्राप्त करना होगा। और आपको अपना सुझाव भी देना होगा, अपना सजेशन भी देना होगा कि अगर आपको बचाना होगा अपने क्षेत्र की नदी को तो आप क्या करेंगे। बच्चों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो आपको एक निबंध लिखना है, यानी आपको एक ऐसे लिखना है कि नदियों से होने वाले लाभ, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रिवर्स, ठीक है? इस टॉपिक पे आपको, इस विषय पे आपको आपको चर्चा करना है, पहले डिस्कशन करना है, और फिर आपको 20 पंक्ति का यानी करीब 20 स्टैंजास का हो सके तो आपको निबंध लिखना है कि कैसे नदी हमें अलग अलग तरह से लाभ देते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं तो सबसे पहले नदी हमें पानी पानी की सुविधा दिलाता है, जिसकी वजह से हम अपने फसलों को पानी दे पाते हैं। दूसरा है कि अगर अगर हमारे पास, हमारे गांव में अगर नदी ना हो तो गांव के लिए पीने का पानी भी शायद ना हो पाए। तो कुछ कुछ लोग हैं कि जो जो जिनका जिनका जीवन जीविका यानी इनकम सोर्स, आर्थिक जीविका उनका नदी पे ही नदी पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे मछुआरे होते हैं, तो और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पानी की बहुत जरूरत होती है। कुछ 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 इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको नदी की जरूरत होती है। तो आपको ऐसे चर्चा करके आपको इसमें 20 पंक्ति डालकर निबंध लिखना है बच्चों। अब हमारा फाइनल पार्ट यानी आखिरी पार्ट है, जो भाषा की बात। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा की बात में ज्यादातर व्याकरण होता है, तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या हमें नया व्याकरण सीखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। समानताएं मतलब सिमिलैरिटीज, कॉमनैलिटीज, यानी कुछ कुछ बातें जो बिल्कुल समान हो, बिल्कुल सिमिलर हो। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। अगर हम ऐसा कंपैरिजन करें, कुछ जो जो चीजें बिल्कुल बिल्कुल समान है, बिल्कुल सिमिलर है, अगर उनकी चीजें अगर हम कंपेयर करें तो वो लैंग्वेज में काफी अच्छा दिखता है। उदाहरण, संप्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, और ख है
माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। ठीक है, तो ये दो वाक्य मैं आपको फिर से एक बार दोहरा के समझाऊं। तो संभ्रांत महिला यानी संभ्रांत मैंने उत्तेजित या एलीट, ठीक है, क्लासी, बहुत क्लासी महिला की भांति वे प्रतीत होता है। ऐसा लगते हैं कि हिमालय की बेटियां बड़े बड़े घरों की बेटियों की तरह है, तो ऐसा हमें दिखता है। और दूसरा है, माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, ऐसे आपको और 5 शब्द ढूंढना है आपको पाठ में से कि तुलनात्मक यानी आपको कंपैरेटिव ऐसे कौन कौन से शब्द लगे जो जो खूबसूरत भी है, और फिर आपको ऐसे 5 ढूंढकर आपको कक्षा में सुनाना है और अपने कॉपी पे भी आपको लिखना है। इसमें दूसरा प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। निर्जीव माने नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होता, तो ऐसी चीजों को अगर हम उसको उसमें जान दे दें, जैसे कि जैसे उदाहरण के लिए हमारा पाठ ही है सतलुज हिमालय की बेटियां, कैसे वो बच्चों की तरह इतने उल्लास से इतने इतने खुशी से वो नीचे बहते हैं, तो ऐसे ही अगर हम निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम दे देने से वो भी ऐसा लगता है कि वो भी जीवित हो गए हैं। तो लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, लेखक ने ऐसे बहुत सारे पाठ में बहुत जगहों पे उन्होंने निर्जीव चीजों को जीवित बनाने की कोशिश की है। इसमें इसको इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। तो जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। तो लेखक बोलते कि इस बार जब वे हिमालय पे चढ़ने गए कंधे पे, यानी कंधे तो कंधा तो सिर्फ हमारे मनुष्य के पास ही होता है कंधा शोल्डर, मगर इसमें कहा है कि जब वो बिल्कुल हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाला था, शोल्डर पे पहुंचने वाला था, तो इसने हिमालय का इस बार दूसरा रूप देखा। और खा है, काका काले लकड़ ने नदियों को लोग माता कहा, यानी एक नदी को माता बना देना, यानी एक अजीवित निर्जीव चीज को जीवित बना देना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए आपको ऐसी तरह के, और पर्सोनिफाइड यानी पर्सोनिफिकेशन आपको ऐसे और उदाहरण ढूंढ के लिखना है बच्चों। हमारे पास तीसरा प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो हमने अपने पहले कक्षा में पढ़ा होगा विशेषण यानी एडजेक्टिव और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो आपको नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा का मिलान कीजिए, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव और विशेष्य यानी एडजेक्टिव नाउन को आपको मैच करना है। तो इसका मैं आपको उत्तर बता दूं तो संभ्रांत क्या आएगी, संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, घना जंगल, समतल आंगन। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, संभ्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल और मुसलधार माने तेज वर्षा, काफी जोरों शोरों से आने वाली वर्षा। चौथा प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी शब्द को शैली में लिखिए, आपको एक ग्लॉसरी की तरह लिखना है, आपको द्वंद्व समास ढूंढना है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पैर है और जिनमें और लगा सकते हैं, मगर और के बजाय हमने सिर्फ राजा रानी डाल दिए हैं, तो ऐसे आपको उदाहरण निकाल के अपने अपने कॉपी पे लिखना है बच्चों। पांचवा हमारे पास प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। अगर नदी को हम उल्टा लिख दें, जिसको इंग्लिश में हम एनाग्राम बोलते हैं, उसको उल्टा लिख दें तो उसका वो हो जाता है दीन यानी जिसका अर्थ है गरीब।
आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए, यानी एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए, उल्टा लिखने पर भी वो एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए। आपको ऐसे शब्द ढूंढ के लिखना है। प्रत्येक शब्दों के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए और फिर उन 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 शब्दों के सामने संज्ञा का नाम भी लिखिए, कौन कौन सा संज्ञा है। जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा, आपको देखना है कि नदी और नदी माने रिवर, दीन इज पुअर यानी भाववाचक संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद है बच्चों, आपको आप उसको रिवाइज करके आपको साथ साथ में लिखना है। हमारे पास छठा प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं, जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो नीचे बॉक्स में आपको अलग अलग रूप दिए गए हैं शब्दों का, तो उनको आपको आज का रूप अलग अलग उनका रूप क्या क्या है उनको लिखना है। सतलुज का जैसे सतलज है, झेलम है, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस, विपाशा, रूपपुर, अजय मेरू, वित्स्ता, शत्रुधुम, वाराणसी। तो बच्चों ये जो आपको कलर्ड बॉक्स है, थोड़ा जो शेडेड पार्ट है, आपको उसमें से ये निकाल के मिलान करना है, आपको निकाल निकाल के छान के लिखना है। जैसे सतलुज का क्या था, सतलुज का इसमें से आपको ढूंढ के देखना है कि क्या है। एग्जाम्पल झेलम का विपाशा, चिनाब बनारस का वाराणसी। तो ऐसे कुछ कुछ आपको, अभी मैं आपको पूरा उत्तर नहीं दूंगी, मगर आपको ढूंढ ढूंढ के देखना, जैसे रोपड़ का रूपपुर हो सकता है, चिनाब का वित्स्ता शायद, बनारस का वाराणसी। तो आपको मैं हिंट्स दे रही हूँ, आपको ढूंढ के लिखना है बच्चों। सातवां प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। फिर से एक बार पढ़ते हैं, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय के गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, यानी जैसे हम बोलते हैं कि उसे ही ने ही किया है, लाइक अगर हम उसको नकारते हैं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, नकारात्मक दे रहा है। इसीलिए ही वाले वाक्य में कहीं कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद ये बात ना आ सके, तो ना के बजाय ही लगाया है बच्चों। तो ऐसे इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, तो इसको हम अगर ही में लिखे तो कुछ ही में लिखे तो महात्मा गांधी को ही कोई जानता है क्या, या महात्मा गांधी को दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो आपको दोनों प्रकार के वाक्यों के समान ऐसे जिसमें ही और नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे प्रकार के वाक्यों के बिल्कुल समान तीन तीन उदाहरण सोचना, आपको तीन तीन सोचना है और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए, उसी तरह आपको उसके बारे में लिखना है। ये आखिरी पेज पे हम देख रहे हैं कि केवल पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो मैं आपको ये एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ये एक छोटी सी कविता है जिसको नागार्जुन ने लिखा है और इस कविता का नाम है फूले कदम, यानी कदम का फूल। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा ललचाए आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा मन कहता है छूले कदम, फूले कदम फूले कदम। नागार्जुन। तो इसी से हमारा तीसरा पाठ खत्म हो गया बच्चों, मैं आपको चौथे पाठ के साथ मिलूंगी। नमस्कार।